शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मुझे आपकी वास्तविकता का बोध हो गया है। मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही अविनाशी देवेश्वर विष्णु। इस शिव धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। योद्धा यदि एक बार बाण का संधान कर ले तो उसे चलाना आवश्यक है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विमोचन। आदेश कर, इस बाण को कहां चलना? कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तुम्हारा और मेरा मिलन अकारण नहीं है राम। तुम विनम्रता और धर्म परायणता के आदर्श। इस पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है राम कि तुम मुझे मेरे क्रोध से मुक्त कराओगे ताकि मेरा मन शांत हो सके। तुम्हारे द्वारा मुझे शांति मिले ये पूर्व निर्धारित है। अतः ये बाण उत्तर दिशा में स्थित मेरे पुण्य लोकों पर चला दो। आपका धनुष आपको वापस लौटा था। नारायण का धनुष तुम्हारा ही है। अधर्म के नाश के लिए इसका प्रयोग करना, तुम अपने उद्देश्य में सरलता से सफल हो जाओ। नहीं भगवान, मनुष्य अपनी सफलता अपने कर्मों से अर्जित करता है। यदि मैं प्रयत्न ही नहीं करूंगा तो संतुष्टि कैसे प्राप्त करूंगा? यदि मेरी विजय इतनी सरल हो जाए तो सबके समक्ष उदाहरण कैसे प्रस्तुत करूंगा? राम, इस धनुष की असीम शक्ति को समझने और उसका सदुपयोग करने की पात्रता हर मनुष्य में नहीं है और पृथ्वी पर केवल सागर ही इसे धारण कर सकता है। ओम श्री वरुण देवाय नमः। श्री वरुण देवाय नमः। मैं भगवान विष्णु के इस धनुष की रक्षा करूंगा।
और जब भी इसके स्वामी मुझसे इसे वापस मांगेंगे मैं अविलंब लौटा दूंगा। ये समुद्र के देवता वरुण का वचन है। मैंने कहा था ना राजऋषि, जिसे प्रत्येक जन्म में सीता के पति होने का सौभाग्य प्राप्त रहा है और अगले प्रत्येक जन्म में रहेगा, वही इस जन्म में भी सीता का योग्य पति होगा। और उस समय मुझे ज्ञात नहीं था ये मिलन जन्म जन्मांतर की सभी परिभाषाओं से परे है। धन्य है सीताराम, धन्य है सीताराम। सत्युग का अंत हुआ, अब त्रेता युग में राम एक नए समाज का निर्माण करेगा जो समस्त राजाओं के लिए ही नहीं बल्कि मानवता के लिए भी धर्म पालन की पराकाष्ठा का प्रतीक होगा। मानवता ने राजाओं पर जो विश्वास खो दिया था ये उसकी पुनर्स्थापना करेगा, उसके लिए अंत आवश्यक है। अतः अब मेरे जाने का समय आ गया है। कल्याण वसु। ब्रह्म ऋषि, राम ने धनुष तोड़कर मुझे कृतार्थ कर दिया है। अब इसके पश्चात जो भी उचित हो आज्ञा करें। शीघ्र अपने दूत अयोध्या भेज दीजिए और यहाँ स्वयंवर में जो कुछ घटित हुआ है उससे महाराज दशरथ को अवगत कराते हुए इस विवाह की स्वीकृति लीजिए। राम की भी यही इच्छा है। जो आ गया ब्रह्म ऋषि।